तो हेलो ब्रोज, रोन कजिस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल किलर ब्रो में। तो जब हम आ चुके हैं एक न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉरा कैरेक्टर और डेबी कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि दोनों का काम जो है सेम थोड़ा बहुत है, क्योंकि दोनों जो है एक्यूरेसी के बारे में ही काम करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन दो कैरेक्टर में सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन होगा, साथ ही करेंगे आज हम लोग इन दो कैरेक्टर का डिफरेंस, जिससे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि इन दो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है, जिसे आप जो है गेम के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको जो है वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फिर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई लेट के एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डीबी कैरेक्टर के एबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको स्किल के बारे में इसके बता देता हूँ कि इसका जो स्किल है क्या पे काम करता है। तो ये जो है पैसिव स्किल होता है, यानी इसके साथ आप जो है दो और पैसिव स्किल यूज़ कर सकते हो, साथ ही एक एक्टिव स्किल भी यूज़ कर सकती हो। अब हम लोग आते हैं पॉइंट में कि इसका एबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो अभी अगर आप मेरा यहाँ पे देखोगे तो ये जो है लेवल 1 का है, तो लेवल आपको जो है 1 में कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब इसको मैक्स लेवल कर लेते हो यानी 6 लेवल, जैसे आप इसको 6 लेवल करते हो तो आपका जो एक्यूरेसी है वो 35% तक बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी आप एनिमी को फायर करते हो तो आपका जो एक्यूरेसी है वो 35% तक बढ़ जाता है। साथ ही बात करें मूवमेंट स्पीड का, यानी जब भी आप जो है एनिमी पर फायर करते हो चल चल के, ठीक है, यानी बात करें हम लोग चल चल के फायर करते हो या कैसे भी फायर करते हो, तो आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो जो है यहाँ पे 15% तक बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली इसका कैरेक्टर का एबिलिटी का, तो ये जो है आपका एक्यूरेसी और आपका मोमेंट स्पीड को बहुत ही तगड़ा बढ़ा देता है। ठीक है, तो यही जो है आपका डीबी कैरेक्टर का एबिलिटी यहाँ पे होने वाला है। काफ़ी मस्त कैरेक्टर है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। सेकंड में हम लोग बात करते हैं लॉरा कैरेक्टर के एबिलिटी के बारे में, तो इसका जो स्किल होता है सेम होता है, यानी जो आप डीबी का पैसिव स्किल होता है सेम ये भी पैसिव स्किल होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसका एबिलिटी का, तो इसका जो एबिलिटी है आपको जो है एक्यूरेसी देता है 35% तक। ठीक है, इन जब भी आप एनिमी को फायर करते हो तो आपका जो गन का रिकॉइल है वो थोड़ा कम होता है, और जो है जैसे आप एडब्ल्यूएम चलाते हो तो कई बार ऑटो हेडशॉट लग जाता है। ठीक है, तो वही काम होता है एक्यूरेसी का। तो इसमें और डीबी में थोड़ा बहुत आपको एक्यूरेसी कम ज़्यादा दिखेगा, लेकिन डीबी में एक खासियत ज़्यादा होता है कि आपको जो है मोमेंट स्पीड जो है अच्छा खासा बढ़ा देता है। लेकिन लॉरा में जो है आपको एक ही चीज़ देखने को मिलता है, और वो होता है एक्यूरेसी, जो कि डीबी कैरेक्टर में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यही रहेगा हम लोग का लॉरा कैरेक्टर का एबिलिटी यहाँ पे। ठीक है, सो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं कि इन दो कैरेक्टर में से सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन रहेगा, जिसे आप जो है गेम के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा आप जो है डीबी कैरेक्टर को लेके खेल सकते हो, क्योंकि ये जो है लॉरा कैरेक्टर से थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा होता है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं लॉरा और इसके बारे में। ठीक है, यानी डीबी कैरेक्टर के बारे में, तो आप जो है इस कैरेक्टर को लेके खेल सकते हो, क्योंकि ये जो है आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। जहाँ आपको लॉरा में एक ही चीज़ देखने को मिलता है एक्यूरेसी, वहाँ जो है यहाँ पे आपको दो दो चीज़ देखने को मिलता है। एक जो है एक्यूरेसी मिल जाता है, साथ में मोमेंट स्पीड मिलता है। ठीक है, आपका मोमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देता है जब आप फायर करते हो। ठीक है, मूव करते करते फायर करते हो तब ये जो है आपका मोमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, लेकिन जब भी आप इसको मैक्स लेवल करते हो तभी जो है आपको अच्छे से इसका एबिलिटी काम करेगा, नहीं तो आप लोग लेवल 1 करेंगे लेवल 2 करेंगे तब इसमें नहीं हो पाएगा। तो आप जो है इसको मैक्स लेवल करके खेलना, काफ़ी जो है अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था इसी टॉपिक पे था, यानी डीबी कैरेक्टर और लॉरा कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल में नए हो तो नीचे देखना एक रेड कलर का ऑप्शन होगा सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बगल में जो है एक रेड कलर का नहीं बल्कि घंटा होगा, उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। ऐसे करने से क्या होता है कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहला पहुंचता है। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी ऐसा कर लो, क्योंकि ये जो है बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई पैसे या फिर टैक्स नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई और मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।